दीपावली के समय पर काफी भीड़ होती है दुकानों पर और कहते हैं कि मैंने ऑर्डर पहले लिखाया था, मुझे मिठाइयां चाहिए, टाइम नहीं है, लेट हो गए, आपका क्या फायदा इतना पहले ऑर्डर लिखाने से। भाई लाइन लगानी पड़ती है, टाइम भी लगता है, लेकिन एक बेनिफिट इसका भी हो सकता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पहले से ऑर्डर आपने लिखा दिया है, हमारे पास आ चुके हैं आपके ऑर्डर जितने भी चल रहे हैं अभी, लेकिन और भी जो भी ऑर्डर देना चाहते हैं फैक्ट्रियों के ऑर्डर, तो देर न करें, सही समय है, इसी समय पर आप अपने ऑर्डर दे सकते हैं, वो भी होलसेल रेट में। गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन मैं बात करूंगा जिनकी सेल्फ लाइफ अच्छी है, मिठाइयों की लाइफ अच्छी है, खराब नहीं होंगी जल्दी से, और चलने वाले आइटम है ज्यादातर, आप भी जानते हैं कि जो आइटम ज्यादा चलते हैं उन्हीं को ज्यादा गिफ्ट में दिया जाता है। सही बात है। तो या किसी को देना चाहते हैं, अपने स्टाफ को मिठाइयां देना चाहते हैं, तो मेरे पास से होलसेल रेट में ले सकते हैं। एक बार मिठाइयां दिखाएं, जैसे मैं बात करता हूँ खाटू श्याम के लड्डू, ये आप देख लें, बहुत ही जबरदस्त लड्डू है, खाटू श्याम का लड्डू है। वैसे मेरे पास ये शादी पार्टियों वाले तो इतने जाते हैं, जैसे बेटिंग बॉक्स जो पैक होते हैं शादी पार्टियों के, उनमें तो सबसे ज्यादा लड्डू ये वाले डाले जाते हैं, आजकल इसका सबसे ज्यादा क्रेज है, हमारे पास होलसेल रेट में मिल जाता है। वैसे इसका रिटेल का रेट 180 रुपए किलो है। मैं इसका 2.5 किलो का बॉक्स होता है, इस बॉक्स में भी कोई लेना चाहता है तो 2.5 किलो की बॉक्स की पैकिंग है, दुकानदार भाइयों के रेट अलग है, मैं खोलना नहीं चाहता वीडियो में, लेकिन रिटेल की बात कर रहा था। हमारे पास ये आती है बीकानेरी बर्फी, अगर कोई दुकानदार भाई लेना चाहता है तो वो अपना माल अलग से लिखवा दे, उनकी बात नहीं कर रहा, रिटेल की बात कर रहा हूँ, जो भाई फैक्ट्रियों के ऑर्डर देना चाहते हैं हमारे पास। ये है बीकानेरी बर्फी, ये भी आपको मिल जाएगी किलो आधा किलो के बॉक्स, अगर देना चाहते हैं अपने गेस्टों को या स्टाफ को कहीं भी देना चाहते हैं। ये आप देख सकते हैं बीकानेरी बर्फी है, डायमंड कटिंग होती है, खोए की बनी होती है, कलर देख के कई लोग सोचते हैं बेसन की तो नहीं है, भाई खोए की बनी होती है, चॉकलेटी फ्लेवर होता है, सबसे ज्यादा चलती है खाटू श्याम या मथुरा में, देखे होंगे पेड़े बनते हैं वो इसी के फ्लेवर में होते हैं, लेकिन ये बर्फी शेप में आ गई है और 3 किलो का बॉक्स है, दुकानदार भाई लेना चाहते हैं तो, लेकिन रिटेल का रेट 320 रुपए किलो है। मोतीचूर का लड्डू भाई बारी बारी से जो भी हाथ में आता जा रहा है मैं दिखाता जा रहा हूँ, मोतीचूर का लड्डू हमारे यहाँ होलसेल रेट में मिल जाता है, लेकिन 2.5 किलो का बॉक्स है, ये पिस्ता लगा हुआ है, दाना एक एक गिन सकते हैं, व्हाइट कटोरी है और लड्डू का साइज भी एक ही है, 45 से 50 ग्राम का लड्डू मिलेगा आपको। कोई रिटेल में लेना चाहता है हमारे यहाँ से तो 120 रुपए किलो में ये लड्डू आपको मिल जाएंगे। अगर कोई किलो आधा किलो के बॉक्स हैं, जैसे 4 लड्डू का बॉक्स होता है उसको पैक करेंगे, वो भी मिल जाता है हमारे पास। पिस्ता बर्फी की बात करता हूँ, ये खोए की बनी होती है, ये देख सकते हैं पिस्ता लगा होता है इसलिए पिस्ता बर्फी बोलते हैं, लेकिन खोया बर्फी होती है ये, और ये हमारे यहाँ रिटेल में 300 रुपए किलो है, इसका 3 किलो का बॉक्स है, इसकी बॉक्स की कीमत दुकानदार भाइयों के लिए अलग रखी हुई है, जो भाई बेचने के लिए या बिजनेस करते हैं भाई उनको भी बता रहा हूँ, जो बेचने के लिए लेना चाहते हैं, काफी ऑर्डर आ चुके हैं हमारे पास जो पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन जो भाई नया काम करना चाहते हैं, नई दुकान लगाना चाहते हैं, वो भाई हमारे से पहले ऑर्डर लिखवा सकते हैं। अगर लगाना की सोच भी रहे हैं कि भाई बिजनेस कैसे शुरू करूंगा, तो पूरी जानकारी ले सकते हैं मेरे पास आके कि भाई कैसे शुरू करें, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, कितना माल लेना चाहिए। यह है डोडा बर्फी, जो ड्राई आइटम है, जल्दी से खराब नहीं होती है, लेकिन सबसे ज्यादा गिफ्ट में इसको दी जाती है, क्योंकि इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी होता है और अच्छी भी है, बर्फी में आती है। हमारे यहाँ रिटेल में 220 रुपए किलो है, अगर किलो आधा किलो का बॉक्स लेंगे मिल जाएगा, लेकिन होलसेल वालों के लिए रेट अलग है, दुकानदारी के लिए कोई बिजनेस के लिए लेना चाहता है तो पहले मिल सकते हैं। अब बात करता हूँ काजू पतीसा की, जो मैं काफी वीडियो में मैंने दिखा रखा है, सबसे ज्यादा हाईलाइट है, बहुत ज्यादा बिकता है, दिल्ली से बाहर भी जाता है, कोई भाई दुकानदार भाई लेना चाहता है तो ले सकते हैं। बाहर जो मिठाइयां मैं बता रहा हूँ उनके रेट चेंज है, लेकिन इसकी बात कर रहा हूँ काजू पतीसा की, ये भी 400-500 रुपए किलो से कम नहीं मिलेगा, लेकिन होलसेल रेट में हमारे यहाँ रिटेल की बात करूँ तो 270 रुपए है, होलसेल में ये मिल जाएगा आपको, 3 किलो का बॉक्स होता है, पिस्ता लगा है इसके अंदर, देसी घी का फ्लेवर आएगा, व्हाइट बटर पेपर है, बिल्कुल अच्छा लगता है, बेसन का बनता है, कई भाई खोए का सोच रहे थे, खोया नहीं है, बीच में जो की गई है काजू को स्टफ किया गया है, इसको ले सकते हैं आप, बहुत ही जबरदस्त रेट है। मैंने काफी मिठाइयां दिखाई, ड्राई मिठाई होती है, मिल्क केक की अभी वीडियो डाली थी मैंने, भाई जो भाई नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि आने वाली हर वीडियो उनको मिलती रहे, क्या पता कौन सी वीडियो आपके काम आ जाए, आपके काम ना आए तो उनके काम आ जाए, जो इसका बिजनेस करना चाहते हैं या काम सीखना चाहते हैं। भाई मेरे पास ऐसा भी है, सेल्स टीम तैयार करो, सेल मार्केट से निकालो, सेल टीम है, या कहीं भी आप एडजस्ट हो सकते हैं, नए हैं तो आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। भाई कई लोग कहते हैं काम नहीं है, काम नहीं है भाई, करोगे जब होगा ना काम, काम कर सकते हो आप, काम यहाँ नहीं है, कहीं भी है, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे काम निकाल सकते हैं अगर नॉलेज होगी तो। बात तो सही है।
ये क्या कहे अलवर का, अब इसका रेट है रिटेल का 180 रुपए किलो। इसकी मैंने कल ही वीडियो डाली है, जिन भाइयों ने नहीं देखी वो देख ले, कटिंग कैसे होती है, बॉक्स में कैसे लगाया जाता है, वो भाई अभी की वीडियो है, दो तीन दिन पहले ही डाली थी मैंने, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं बात करता हूँ, ये देख सकते हैं आप बेसन के लड्डू, भाई 2.5 किलो का बॉक्स है, 160 रुपए किलो है रिटेल में। इसके अंदर भी हमने कटोरी लगाई हुई है, देख सकते हैं। इस बॉक्स को अगर होलसेल के लिए दुकानदार भाई लेंगे, भाई बनाना कुछ नहीं पड़ेगा आपको। अगर दुकान लगाने की सोच रहे हैं या पहले से लगाते आ रहे हैं कि कोई आइटम बनाना पड़ता है, आप बने हुए आइटम लें, कंप्लीट लगाएं और बेचना शुरू कर दें। आपको क्या करना है, बेचना है खाली। बेचना कैसे है, क्या रेट पड़ेगा, नॉलेज नहीं होगी, आप नए हैं तो मैं पूरी जानकारी दे दूंगा। आप मेरी दुकान पर विजिट कर सकते हैं, मोहन गार्डन पीपल रोड सुंदर स्वीट्स, ये नवादा मेट्रो स्टेशन नजदीक है हमारे, मोहन गार्डन पीपल रोड सुंदर स्वीट्स पे आके आप पूरी जानकारी या आइडिया ले सकते हैं, कैसे बेचना है, कितना पैसा लगेगा, कहाँ कहाँ बेची जाती है। देख सकते हैं मलाई बर्फी, भाई इसकी बात करूं तो इस दूध की बनी होती है और मलाई बर्फी है, इसको भी आप होलसेल रेट में ले सकते हैं हमारे से, 2.5 किलो का बॉक्स होता है। लेकिन रिटेल की बात करूं तो 220 रुपए किलो है, जो कि हमने मार्जिन नो प्रॉफिट नो लॉस पे दे रहे हैं। भाई अभी समय है, क्या होगा कि ऑर्डर ज्यादा हो जाएंगे फिर ऑर्डर लेने बंद कर देंगे। आपको अगर मन बना लिया है, बेचना चाहते हैं या दुकान खोलना चाहते हैं, कहीं भी स्टाफ को देना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9289316361 पे कॉल करें और पूरी जानकारी लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा लाता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।